नमस्कार दोस्तों, जेएससी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, यानी वेबसाइट पे अब लाइव है। आप जा करके अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आ रहा है वो आप निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, कितने बजे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाले हैं, एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भी दिखाने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स की, जो एडमिट कार्ड के नीचे जो निर्देश रहते हैं, एग्जामिनेशन निर्देश जो रहते हैं, रूल जो रहते हैं, वो पढ़ना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो बहुत काफ़ी आपसे भारी मिस्टेक हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है एडमिट कार्ड पर छपे हुए नीचे निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें क्या है, किस तरह से निर्देश है, कितना माइनस मार्किंग वगैरह है, सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से चलते हैं वेबसाइट पे और चल करके एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए सरकारी रिजल्ट पे। सरकारी रिजल्ट पे एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे जब आप जूम करेंगे तो यहाँ पर यूपी बीएड 2023 एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। जब इसको हम ओपन करते हैं तो सबसे नीचे ही आपको मिल जाएगा, सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो डाउनलोड एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक ऐप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डाउनलोड होने के लिए आपसे आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आप आईडी पासवर्ड नहीं जानते हैं तो हम आपको फॉरगेट करना भी बता देंगे कि फॉरगेट कैसे करते हैं अपना पासवर्ड, उसके लिए भी वीडियो हम बना देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा ऐसी वीडियो पे, तो हम आपके लिए फॉरगेट करके भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आईडी पासवर्ड मिल गया है। देखिए, हमारा रॉन्ग बता रहा था तो हम इसको फॉरगेट भी किए हुए हैं, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हमने उस चीज़ को कवर नहीं किया है। तो हमें इस वीडियो तुरंत से फॉरगेट किया, हमने फॉरगेट करके देखिए लाइव कर दिया। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे नीचे, तो ऊपर देखेंगे आल जहाँ लिखा है वहाँ पर थ्री डॉट क्लिक करेंगे, नीचे आके एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोड होने लगेगा और क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा पीडीएफ फॉर्म में, और पीडीएफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, टाइम क्या है, कब रिपोर्टिंग टाइम है, कब क्या है, मतलब सारी चीज़ें इस पीडीएफ में लिखा रहता है। नीचे दिए गए निर्देश को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि निर्देश बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा बाय बाय दोस्तों।